राजधानी रायपुर में भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश चंद्राकर और पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो वहां आरक्षण खत्म कर देने की बात कही। वहीं एक विद्यालय में कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि जो लोग आरक्षण मांग रहे थे उनको बुद्ध समझा गया था। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि आरक्षण विरोध को लेकर कांग्रेस का पूरा इतिहास रहा है। इसके तहत ही लोकसभा चुनाव में संविधान का हवाला देकर राहुल गांधी ने कहा कि यह लोग संविधान को बदल देंगे, लेकिन आज खुद वह आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस आरक्षण विरोधी। अभी हाल ही में कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने अमेरिका की यात्रा पर जब वहां गए तो उन्होंने एक विद्यालय में, विश्वविद्यालय में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे राजीव गांधी जी ने 1990 में मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट रद्द कर दिया और लोकसभा में ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण उम्मीदवार जो आरक्षण मांग रहे हैं उनको बुद्धू कहकर अपमानित किया है, जो लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और नीरज चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा कि पिछड़े के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर इंदिरा गांधी ने अपने कानून मंत्री शिव शंकर से कहा कि ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पर कभी बात ही नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैंने ऊपर क्षमता और हमारे प्रारंभिक धरने से बाहर निकलने का उल्लेख किया, जिसके लिए हम जाति समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण खत्म होने चाहिए।